सर बहुत बहुत धन्यवाद सर 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 नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार हाँ सर आरंभ कर नमस्कार समस्त को मो उमा चरणपति उपकूल सचिव गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय आजिकार आमर जो वेबिनार भीम भोई गवेषणा केन्द्र गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय तरफ आयोजित आपण मैंने जानते 2018-19 मसीह भारत ओडिशा सरकार उच्च शिक्षा विभाग सहायतार आमर ये गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय भीम भोई गवेषणा केन्द्र जो भीम भोई रिसर्च चेयर कहूँ बीबीआरसी नाम जाना जाए ये आम प्रतिष्ठा होती है बहुत बढ़िया काम भी होगी आगुरी प्रोफेसर संतोष रथ जॉइन करते प्रोफेसर प्रदीप पंडा या मैनेज कर आम संगे आज अच्छा आमर कुलपति महोदय प्रोफेसर एन नागराजु सार मु सार को अनुरोध करुच्ची एवं सार को वेलकम कर कार्यक्रम को सहित आमर एडवाइजरी कमिटी जो मैंने अच्छा आमको भीम भोई रिसर्च चेयर सहायता प्रदान करती सब सार मानक वेलकम करुच्ची आमर अतिथि वृंद जो मैंने जॉइन कर वेबिनार समस्त को अनुरोध करुच्ची एवं नमस्कार जनाऊँगी आप मैंने आपण समय देकरी सेमिनार जॉइन कर आमर सब फैकल्टी नॉन टीचिंग स्टाफ स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर एवं अन्य जो मैंने भी कार्यक्रम में योगदान कर समस्त को मुझे वेलकम करुच्ची आम रजिस्ट्रार श्री गिरीश चंद्र सिंह चेयरमैन पीजी काउंसिल पूर्वतन चेयरमैन पीजी काउंसिल डॉक्टर सत्यानंद महापात्र जॉइन कर समस्त को ये वेलकम करुच्ची आमर जो मैंने सिंडिकेट्स एवं एकेडमिक काउंसिल मेंबर अच्छा सदस्य अच्छा जॉइन कर समस्त को नमस्कार और ये कार्यक्रम को आपण मानक वेलकम करजर जो वेबिनार विषय अच्छी आधुनिक परंपरा एवं आधुनिकतार परंपरा एवं कवि भीम भोई जेहेतु आम एवं पैंडेमिक पीरियड रु फिजिकल मोड रे कार्यक्रम करने बहुत समस्या होती रेस्ट्रिक्शन अच्छी तथा भीम भोई गवेषणा केन्द्र को एक्टिवेट करने चलचंचल करने आम कुलपति महोदय सब चेष्टित चेष्टार आशीर्वाद आम आज के प्रोग्राम करुचु भविष्य में निहाती है गवेषणा केन्द्र ना करे कवि भीम भोई जो आदर्श जो कंट्रीब्यूशन अच्छी आम लिटरेरी वर्ल्ड को आम सोशल सिस्टम को निहाती आम आगक आणवा एवं गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय यहाँ अनवरत चेष्टित चेष्टा करुच्ची एवं भविष्य में निहाती आम सक्सेसफुल हबु यदि आपण मैंने समस्त सहयोग रहा तो मुझे आपण समस्त को ये वेलकम करुच्ची एवं मुझे आमर कुलपति महोदय प्रोफेसर नागराजु सार को अनुरोध करी सारंकर वक्तव्य रखे समस्त अतिथि को नमस्कार थैंक यू डॉक्टर पति रजिस्ट्रार डेप्यूटी रजिस्ट्रार पीजी काउंसिल चेयरमैन एंड डॉक्टर पंडा प्रदीप पंडा हु इज ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट एडवाइजरी कमिटी ऑफ द भीम भोई चेयर गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी ऑल द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स very kind of you to have joined this webinar and encourage us. And I first of all, I think after I took over, this is the first attempt on the part of Bhima Boy Chair to reach out to outside academia, intellectuals, and society at large. I thank Professor Panda for his efforts. But I think right now the important thing for this chair is to keep the intellectual and academic activity going. This is one of a small beginning, and I hope Professor Panda will build on this. And there is some good work already done, like Himavoy versus From the Void by Bettina Baumer, Johannes Bertz, and Ipsita Chanda and such people, but there is a lot more to do. There is a lot more to do, and this is a living tradition, and one of the tradition which has kept itself alive. Please close the door. One of the living traditions which has kept
itself away from the colonial incursions. In that sense, this is not just a social space, this is also a religious space, which gives us to build a critique of colonial modernity. And not many spaces like this are left in India. So I think people of Odisha, particularly Western Odisha, must be proud of this space. And they deserve full appreciation for keeping this space away from colonial modernity. So in that sense, there are a lot of opportunities, in fact, infinite opportunities for us academically and culturally to do the activity. As far as Gangadhar Mehar University is concerned, anything we do, we will do to advance the academic and cultural significance of this important living tradition. And in that sense, whatever we do, it will always be short. So we have to give more than necessary efforts towards this research chair. And I appeal to the advisory committee and all the intellectuals to come and support Bhimabhoi chair. Let's all do something significant. Government of India has given us this opportunity. Let's use this opportunity to build up some significant work and reach out to the large society. And apart from this, we are also trying to publish some important texts of Bhimabhoi. And I'm sure Professor Panda will initiate those things gradually. And we are also having another webinar by Dr. Ipsita Chanda, organized, initiated by Professor Kalidas Misra. And that will be done on 6th of July. Please support and encourage the efforts of Gangadhar Mehar University. I once again appeal to you all and welcome you, particularly today's speaker, Dr. Panchanan Misra. Thank you. Thank you very much. धन्यवाद सर आपणक प्रचेष्टा बळरे भीमभोई रिसर्चर बहुत भलो काम करूछि गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय रे जो माने आम कार्यक्रम रे जॉइन करूछि तांको म जणै देबाकै चाहूछि संक्षिप्त बारे जे 2018-19 मसिया रे हमर पूर्वतन कुलपति प्रोफेसर रतन कुमार पति एवं सही समय रे जो कमिश्नर थिले उच्च शिक्षा विभाग रो से विष्णुपद सेठी तांकर प्रचेष्टा रे तांकर सहयोग रे यही अनुष्ठान रे जोटा कि आम महान कवि गंगाधर मेहर नाम नामित ओडिशार प्रख्यात कवि भीम भोई गोटे चेयर प्रतिष्ठा कर जो स्वप्न थी समस्त वेस्टर्न ओडिशार साकार है आपण मैंने जाणी खुशी हे आम कंटेक्सट जे ओडिशार कौन सी रिसर्च चेयर एवं कम करूना कौन सी विश्वविद्यालय कि गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय ये रिसर्च चेयर एवं कम कर प्रोफेसर संतोष रथ फास्ट चेयर प्रोफेसर जॉइन करते से भी बहुत कम करते यार आज्ञा को आगक नापी कि जो दिन ठू आम कुलपति महोदय प्रोफेसर नागराजु सर जॉइन कले प्रथम प्रायोरीटी एवं भीम भाई रिसर्च चेयर को कमी एक्टिवेट कराव तार जो जहाँ कंट्रब्यूसन रहा कथा वेस्टर्न ओडिशा तथा ओडिशार लिटरेरी वर्ल्ड रे सोशल सिस्टम रे सोशल फैब्रिक रे सेटा निहाती आगक जीव प्रचेषा फल एबे प्रोफेसर प्रदीप कुमार पंडा जॉइन करिसेंती से मध्य बहुत भलो काम करुचंती आपण मान समस्त सहयोग के लिए मैंने निहाती गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय भीम भईंकर कृति को केमती आगक आणवा जो कम अच्छी से केमती इंस्पायरिंग हे भविष्य जेनेरेसन से निहाती आम समस्त चेष्टित होगा तो समस्त को धन्यवाद मुझे जनाऊँ एस्पेसियली आम प्रोफेसर एन नागराजु वाइस चांसलर सर को कि यही चेयर पर चेष्टा जो चल अनुरोध करी आम चेयर प्रोफेसर प्रोफेसर प्रदीप पंडा को से आम जो स्पीकर आज अच्छा मुख्य वक्ता डॉक्टर पंचानन मिश्र विषय इंट्रोडक्शन देवार जरूरी ना सार को समस्ते जानते ना शुणिला मैंने समस्त जानते लिटरेरी वर्ल्ड बहुत कंट्रीब्यूशन अच्छी फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश तो सार विषय कहवाक्रम विषय संक्षिप्त कहवाई अनुरोध कर चेयर प्रोफेसर प्रोफेसर प्रदीप कुमार पंडा विश्वविद्यालय सम्मानास्पद कुलपति प्रोफेसर एन नागराल महोदय एवं
उपस्थित समस्त सारस्वत अभिलाषी विदग्ध प्रत्याशु मानंकु मोर विनम्र प्रणाम। गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय एक प्रकार स्वाभिमान प्रतीक भीम भोई गवेषणा चेयर रे सद्यतम साहित्य सम्पान को आपण मानक समस्त को भीम भोई चेयर तरफ आपण को स्वागत करुच। संत कवि भीम भोई को अन्य एक दृष्टि बलय चिन्हार प्रयास आज प्रसंग चयन होई ओडिया साहित्य रे आधुनिकतार परंपरा और कवि भीम भोई। ये प्रसंग रे आज आलोकपात करिवे सुपरिचित सारस्वत चिंतक प्रोफेसर पंचानन मिश्र। प्रोफेसर डॉक्टर मिश्र आपणे जने सुदक्ष अध्यापक भावरे ओडिशार विभिन्न सरकारी महाविद्यालय रे शैक्षिक कर्म संपादन करी गंगाधर मेहर महाविद्यालय रु अवसर ग्रहण करी जीविकारु अवसर किंतु तांकर सारस्वत चैतन्य रु आदौ अवसर नथिला। प्राक जौवन रु कविता प्राण एही मनीषी कविता सृजन रे जेतिकि अभिनिष्ट कविता कलार परंपरा उन्मेष व्याप्ति लक्ष्य कवितार कारण शब्दायन आदि रे समयानुसार निर्माण हेउतबा नुआ नुआ अभिकल्प सब को गभीर अनुशीलन करिवारे से सेतिकि दक्ष। स्थूल दृष्टि रे कवि भीम भोई एमिति जणे संत काव्य परंपरा जणे शिष्यतम साधक मात्र किंतु संत कवि सृष्टि चैतन्य रे से संत केते कवि केते एवं तांको सर्जन रे केउ आधुनिक दिग्बलयटी स्पष्ट होई उठिछि ताकु चिन्हिबार प्रयास प्रकृतरे विरल। कवि चिंतक पंचानन मिश्र ए दिगरे आमको आज आलोकपात करिबे। कवि आपणे पंचानन मिश्रंक सारस्वत कृति समूह रे रहिछि हेमोर अनुच्चारित शब्द माने सब्यसाचीर शोक लवंग दीपर लावण्यवती सीतांक शेष राति अर्धनारीश्वरंक अर्धचंद्र पूर्व रवार पूर्व राग कविता कदम्ब उलग्न आकाश आदि नारी जीवनायन प्रभृति दशटी कविता ग्रंथ। कवि भावरे तांकर ख्याति और सम्मान जेतिकि अभिसंवादित जने समीक्षक समालोचक भावरे तांकर सुनाम मध्य सेतिकि प्रसिद्ध। तांकर कृत समालोचना ग्रंथ गुड़िक हला साहित्य समालोचना तात्विक और प्रायोगिक प्रसंग प्रथम भाग द्वितीय भाग कवि विनोद चंद्र नायक को काव्य कला और जीवन दृष्टि भिन्न दृष्टि भिन्न व्याख्या पाश्चात्य समालोचना तत्व यह व्यतीत इंग्राजी अध्यापक भावरे इंग्राजी साहित्यर विभिन्न कवि एवं काव्य परंपरा को विभिन्न दिगरु से इंग्राजी पुस्तक मानकर मध्य आलोकपात करिछन्ति। तांकर एक प्रसिद्ध इंग्राजी पुस्तक होची मीट एज पोएटिक डिस्कोर्स स्टडी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स एंड टी एस एलियट। यह व्यतीत पुणी इंग्राजी कवि मानकर प्रसिद्ध इंग्राजी कवि मानकर कविता गुड़ी ओडिया रे चारोटी पांचोटी संकलन रे से अनुवाद करी ओडिया साहित्य को अमूल्य संपद दान करिछन्ति। से भितरे सबुठ अधिक लोकप्रिय ग्रंथटी हेउछि रिल्के को कविता डुइनो एलिजी सारस्वत साधना पाई ओडिशार विभिन्न प्रतिष्ठित अनुष्ठान मानंक ठारु संबर्धित होइथिबा एही कवि
2015 मसीहारे साहित्य समालोचना और तात्विक और प्रायोगिक प्रसंग पुस्तक निमन्ते मर्यादा जनक ओडिशा साहित्य अकाडेमी पुरस्कार लाभ करिछन्ते। आसंतु समय विलंब न करी आज तांको पाखरु सुनिबा तांको गवेषणा प्रस्तुत चिंता प्रस्तुत वक्तव्य ओडिया साहित्य रे आधुनिकतार परंपरा ओ कवि भीम भोइ। मु अनुरोध करिबी डॉक्टर पंचानन मिश्र को तांकर वक्तव्य उपस्थापन करिबे। धन्यवाद। असला कहिबे हां डॉक्टर मिश्र आजर ए सारस्वत कार्यक्रम रे भीम भोइ चेयर प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप पंडा को मोर अशेष धन्यवाद। विश्वविद्यालय जेम विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर नागराज महोदय डॉक्टर उमाचरण पति महोदय एवं डॉक्टर प्रदीप कुमार पंडा सह जेते ए कार्यक्रम उद्योक्ता समस्त को मोर आंतरिक कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापन करुछि। विषय खूब जटिल प्रसंग खूब व्याप्तिमय आधुनिकतार परंपरा ओ कवि भीम भोइ ए होची विषय वस्तु ते विषय वस्तु संपर्क रे आलोचना कला बळे आमको तीनोटी शब्द सह परिचित होवार आवश्यकता थाय। गोटी हला आधुनिक अन्यटी आधुनिकता एवं आउ गोटे शब्द आधुनिक बाद। आधुनिक हला मॉडर्न आधुनिकता मॉडर्निटी एवं आधुनिक बाद होची मॉडर्निज्म। आधुनिक बाद रे प्रतिष्ठा हुए यूरोपीय साहित्य धारा रे एवं एथिरे प्रमुख कवि मनीषी गण एज्रा पाउंड टीएस एलियट टी ह्यूम ए जो साहित्यिक क्रांति काव्यिक क्रांति नहीं आसले तांकर जो इमेजिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश हला जे कविता रूपरेख बदली गला आंगिक बदली गला आत्मिक बदली गला अंतर छंद एवं मुक्त छंदर विन्यास घटला वर्णनात्मक शैली बदल रे व्यंजनात्मक शैली रो प्रयोग करा गला काव्य रीति सहित वाक् रीति रो मिलन संगम घटला ए जो नुआ प्रकार रो आंदोलन आरंभ हला यूरोप रे जार प्रतिष्ठा कले टी एस एलियट तांकर काव्य दि वेस्टलैंड रे 1922 मसीह जहाँ प्रकाशित हुए सेठु आरंभ हला आधुनिक बादर प्रतिष्ठार एक नव्य युग। किंतु ता पूर्वरु आधुनिक बादर मॉडर्निज्म रो प्रतिष्ठा पूर्वरु गोटे आधुनिक परंपरा काव्य रे थिला दे आर नोन एज द मेकर्स ऑफ लिटरेचर एमार समस्त गोटे नुआ नुआ जुगर माइल खुंट जेपरी इंग्राजी साहित्य रे जेफरी चॉसर स्पेंसर मिल्टन वर्ड्सवर्थ एमान सब स्टेपिंग स्टोन्स नुआ नुआ जगुर जुगर प्रवर्तक एमाने भी आधुनिकतार परंपरा को सृष्टि करिसेंति। एठी आधुनिकतार अर्थ होचे नूतनत्व गोटे नूतनता गोटे मौलिकतार छाप गोटे स्टाम्प ऑफ इंडिविजुअलिटी कवितार नूतन आंगिक न्यू फॉर्म कवितार नूतन काव्य भाषा शैली छंद यार विनियोग करिकिरी से नुआ नुआ जुग आरंभ कले एमाने होचंदे आर द मेकर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक समांतर आल भाव रे उड़िया साहित्य और उड़िया काव्य इतिहास रो को पर्यालोचना कले देखा जाए जे कवि शारदा दास कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कवि राधानाथ राय एमाने होछंती द मेकर्स ऑफ ओडिया पोएट्री।
ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ କାବ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ନୂତନତାର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି, ନୂତନତାର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ କାବ୍ୟ ଜଗତକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କାବ୍ୟ ଇତିହାସ ପ୍ରତି ଯାହା ତାହା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଏଇ ଧାରାରେ ଏଇ ଧାରାର କବି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ସେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, କବି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ସମସାମୟିକ କବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବେଶୀ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ପରେ ଏ କବି ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲେ, ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ପଞ୍ଝାଏ ଶିଷ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି, କାନ୍ଧରେ ଥିଲା ଲେଖନୀ ଏବଂ ପୋଥି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନଥିଲା। ହେଲେ ବି ଭୀମ ଭୋଇ ଇଜ୍ ଏ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ମେକର ଅଫ୍ ପୋଏଟିକ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଇତିହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂତନତାର ପଥ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଧାନାଥଙ୍କର ସମକାଳୀନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସମକାଳୀନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାହାକୁ ଅନୁକରଣ ନ କରି ସ୍ୱକୀୟତା ଏବଂ ମୌଳିକତାର ଛାପକୁ ପକେଇ ସେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅସୀମ। ଏବଂ ସେଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଭୀମ ଭୋଇ କବିତାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟସ କରିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସେ ଓଲଟ ଚଉଦିଶା ରଚନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଚଉଦିଶା ସାହିତ୍ୟ କଠାରୁ କ୍ଷୟ ଯାଏ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ କ୍ଷୟ ଠାରୁ କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚଉଦିଶାର ଫର୍ମ ବା ଆଙ୍ଗିକକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ହେଲେ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ନବାକ୍ଷରୀ ପଦରଚନା କଲେ ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ ଗୀତା ଓ ନିର୍ବେଦ ସାଧନ, ଏସବୁ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ନବାକ୍ଷରୀ ପଦଶୈଳୀକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଶୈଳୀ କାବ୍ୟଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ସିଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା ଏବଂ ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତା। ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା ଓ ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଶୈଳୀରେ ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ କାବ୍ୟଶୈଳୀ। ଏଠି କବିର ସତ୍ତା ନଥାଏ, କବି ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥାଏ କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟଶିଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ପୁରାଣ ଓ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ, ଏପରିକି ଭଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଏସବୁ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଶୈଳୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୟ ପଚାରୁଛି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରୁଛି, ସଞ୍ଜୟ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଯେତେ ସବୁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଶୈଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ବା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। ଚତୁର୍ଥତଃ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଏବଂ ଦର୍ଶନକୁ କାବ୍ୟ ରୂପ ଦେବାଟା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମୌଳିକତା ଏବଂ ସ୍ୱକୀୟତାର ଛାପ। ସେ ପାରମ୍ପରିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ, ପାରମ୍ପରିକ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପଞ୍ଚସଖା କବି ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ଆଦି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା କବି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ, କାରଣ ଉଭୟ ପଞ୍ଚସଖା କବି ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ ତାହା ଶୂନ୍ୟବାଦ ଉପରେ, ଶୂନ୍ୟ ସାଧନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ଡାକୁଛି ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ପ୍ରଫେସର ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ମହାନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖା କବି ଏବଂ ଭୀମ ବହି ଭିତରେ କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କବି ଆଉ ସମାଲୋଚକ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ଯେଉଁ କବିତା, ଯେଉଁ ବହି ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଧୁନିକତାର ପରମ୍ପରା,
सेठी से देखाउछन्ती पंचसखा कवि एवं भीम भईंक भीतर थिबे जो मौलिक पार्थक्य ताको देखाउछन्ती से कहउछन्ती जे ओडिया कवितार मौलिक प्राणस्रोतर प्रवाह सह भीम भई संपर्कित जोटा हूँ ओडिया जातिर ओडिया काव्य कवितार जो मूल प्राणस्रोत तासह भीम भई संपर्कित द्वितीयत ओडिया कवितार जो ओडियात्व जो निजस्व ओडिया गुण लक्षण तासहित ये मध्ये संपर्कित एही दुई कारण रु से आधुनिकतार परंपरा सह संपर्कित दीर्घ 300 वर्षर आधुनिक आध्यात्मिक साहित्य जो परंपरा सृष्टि हेतला से परंपरा से इतिहास से धारा से प्रवाह भितरे भीम भई होचंती भीम भई बारी एक जना पड़ती अनन्य एवं अनन्यता होची तांकर आधुनिकतार मूल भित्ति तांकर स्वकीयतार मूल भित्ति ओडिया जातिर जो प्राणस्रोत प्रवाह ता सहित एक भी संपर्कित धर्म और आध्यात्मिकता गोटाए काव्यिक थीम बा सब्जेक्ट मैटर काव्यिक विषय वस्तु भाव ग्रहण करा जाई पारे यह अपरिहार्य से यह प्रकार काव्य कविता मध्य आध्यात्मिक काव्य कविता मध्य सामाजिक परिवर्तन एक माध्यम सामाजिक परिवर्तन आसी पारे यही काव्यिक क्रांति द्वारा सामाजिक क्रांति द्वारा कवि गोटे माध्यम द पोएट एज ए मीडियम जोटा इंग्राजी रोमांटिक कवि वार्ड्सवर्थ जो भूमिका ग्रहण करते पोएट इज ए मीडियम भीम भई जन मीडियम बा माध्यम जे कि ए प्रकार सामाजिक क्रांति बा काव्यिक क्रांति आने चेष्टा कर तेणु भीम भई कवितार लक्ष्य कर गोटे अन्य जिनस से हूँ कवित धर्म समाज और साहित्य ये तीनोटी जाक हाथ धराधरी एका सांगे चलती धर्म को समाज रु अलग कर साहित्य को समाज रु अलग कर साहित्य को धर्म को अलग कर ये त्रिभुजर तीनोटी बिंदु धर्म समाज और साहित्य या को तीन बिंदु को गोटे त्रिभुजर चित्र भितर से आबद्ध करी नुआ परंपरा सृष्टि कले जे आध्यात्मिकता केवल जन व्यक्तिर व्यक्ति उद्दिष्ट नुहे आध्यात्मिकता धर्मीय साधना धर्मीय चिंता भितर गोटे व्यक्तिर कल्याण हो पारे किंतु ताहा केवल गोटे व्यक्तिर कल्याण भितरे सीमाबद्ध ही रहिबा आवश्यक नुहे उचित नुहे धर्म समग्र समाज पई भीम भई केवल कई कई कहती जे कवि भीम भई हूँ सबाल्टन मानकर कवि मुझे एकमत नुहे से समग्र विश्व मानव समुदाय जो महिमा धर्म से केवल ओडिशा पे नुह केवल गोटे ग्रुप ऑफ गोटे ग्रुप बा कम्युनिटी पे उद्दिष्ट नुह समग्र मानव समाज से कि जो धर्म समाज आउ साहित्य एका संगे हाथ धराई चलते एवं पंचसखा कवि पाखे रहस्यवाद थिला भीम भई कवितार मध्य रहस्यवाद झलक अच्छी किंतु उभयंक मध्य रहस्यवाद को नहीं एक मौलिक पार्थक्य परिलक्षित करि हुए से हूँ या जे पंचसखा कवि जो रहस्यवाद इट हैज समथिंग टू डू विथ मेटाफिजिक्स मिस्टिसिज्म किंतु भीम भई कौन कले ना भीम भई धर्मपति तांकर गोटे सामाजिक दृष्टिभंगी रखिले गोटे वास्तव दृष्टिभंगी धर्म गोटे नौका धर्म गोटे तरी धर्म हूँ गोटे जल जहाज जहा देह यात्री मानक एक कूल को पार कर भवसागर उद्धार कर जन्म एवं परजन्म कल्याण साधन कर धर्मटा केवल मोर मनोकुली नुहे धर्म समग्र समाज धर्म समग्र मानव जातिर ये धर्म रूपक तरी रे मो समग्र मानव समाज कल्याण तांकु पार करे भवसागर को कल्याण साधन करेंगे तेणु भीम भईंकर धर्मपति एक सामाजिक दृष्टिभंगी थिला गोटे वास्तव दृष्टिभंगी थिला
ଏଇଟା ହଉଛି ପଞ୍ଚସଖା କବି ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଭିତରେ ଅସଲ ପାର୍ଥକ୍ୟ। କେବଳ ଗୋଟେ ମେଟାଫିଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିବା, ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ବିଲିଫ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫି ତିଆରି କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ସମଗ୍ର ସମାଜ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ସେ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏବଂ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ନା ମାନବ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସୃଜନ କର୍ମ, ସେ ସୃଜନ କର୍ମ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ସମଥିଂ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଦି ଥିଓରି ଅଫ୍ ପୋଏଟିକ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରୁ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରବାହରୁ କବିତା ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏହା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ କବିମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହିଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସେହି ପରମ୍ପରା କବି। ସାରଳା ଦାସ ନିଜେ କହନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ସାରଳା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକରି ଉଷା କାଳରେ, ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତା ଲେଖିଦିଏ। ମୋର ମହାଭାରତ କହନ୍ତୁ, ମୋର ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ କହନ୍ତୁ, ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ କବି ହେଇଛି, ମୁଁ ଭାଗବତ ରଚନା କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ଲେଖିଛି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ଶବ୍ଦର ସମୁଦ୍ରକୁ ମୁଁ ପାର ହେଇଯାଇଛି, ଏ କମ୍ ବଡ ମନ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ବିନା ପ୍ରେରଣାରେ, ବିନା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରେ କବିତା ରଚନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ କବି ଏ ଭୀମ ଭୋଇ, ଯେ କିଭଳି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଭିତରୁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଜନ୍ମ ରହୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କବିତ୍ୱ ଦେଲେ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଲେ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଓରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ପୋଏଟିକ୍ ଥିଓରି ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତା ମାତା ଦୁଇ ଯୁଗଳରେ ଯାଇ କଲେ ଅବନିରେ ଜାତ, ପୂର୍ବ କାଳେ ଘୋର ତପସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ହୋଇଲି କବି ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ କବିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଜନ୍ମର ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ କବିତ୍ୱ ଫୁଟି ଉଠେ। ସେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା, କବିତ୍ୱର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା, ସେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରର ତପସ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର କବି ନୁହେଁ। ଭୀମ ଭୋଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ଭୀମ ଭୋଇ ନୁହେଁ, ସେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଭୀମ ଭୋଇ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଜନନୀ ଉଦର ଗୋପ ମଧୁପୁର, କି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ମେଟାଫର, ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ। ମାର ଯୋଉ ଗର୍ଭ ସେଟା ହଉଛି ଗୋପପୁର, ସେ ଭିତରେ ପାଶ୍ୱର ନଯାଏ ଚିହ୍ନୁ, ମାତୃ ଗର୍ଭ କତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ହେତୁ। ସେହିପରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ, ମହିମା ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନ ହୋଇଥିଲେ ମୋର କବିତ୍ୱର ସ୍ମରଣ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଗୁରୁ କୃପାରେ ମୋର ଗୋ କବିପଣ, ବାଳକ ବୟସ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ, ପିତା ଅଟନ୍ତି ମୋ ଅନାଦି ଠାକୁର, ମାତା ଆଦିଶକ୍ତି ନାରୀ, ଯୁଗଳ ଅଙ୍ଗରୁ ଜନମ ଲଭିଛି କବି କୃତ କଳା ଧରି, ଏଥକୁ ଚାହିଁ ବିଚାରି ଦୟା କର, ବାଞ୍ଛା ଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, କବିକୃତ କଳା ଫୁଟି ଅନର୍ଗଳା, ଯୁଗେ ଯୁଗେ କୀର୍ତ୍ତି ରହୁ। ସ୍ମରଣୀୟ ଧାଡ଼ି ଗୁଡିକ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏକ ଥିଓରି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ନିର୍ମାଣ ହୁଏ କବିତା, ସେ ଶବ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ପିତୃତ୍ୱ ଦେଇଛି, ସେ ଶବ୍ଦଙ୍କ ସହ ମୋର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଛି, ଶିଶୁମାନେ ହରିଲେ ମୋର ଆତ୍ମଜ, ଆତ୍ମାରୁ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲିକିରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ କୁହାଯାଏ, ଏ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କୁ ଅନାବିଳ ପିତୃତ୍ୱ ଦେଇକିରି ମୁଁ ପାଳିଛି ପୋଷିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ସହ ସେ ଶବ୍ଦାର୍ଥର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଭୀମ ଭୋଇ କେବଳ ଜଣେ କବି ନଥିଲେ, କବିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯୋଉ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି।
से कहते कविता लिखुची तो लिखुची ता सहित शब्द रो अर्थबोध से महानदी बन्या ढे भाई माड़ी आस कम कवित्व तत्व शब्द एवं शब्दार्थ शब्द सहित कविता सहित कविर संपर्क कवि कवितार उपादान कौन ये संपर्क से तत्व लिखुंट कविता भितर मध्य से कवितार तत्व को दौंट तेणु से कम प्राज्ञ नथिले तबे गोटे कथा भीम भाई जन्मस्थान तांकर जन्म समय एवं तांकर अंधत्व ए सब को नहीं विभिन्न वितर्क लग रही डॉक्टर जानकी पल्लव महांती भरद्वाज कहते से 1855 मसीह जन्म होते पिता थे जनार्दन भोई माता थे महरगी देई जन्मस्थान ग्रामडीहा मात्र अलेख लीला जहाँ एक अलेख ग्रंथ से तत्व को समर्थन जनाउंट डॉक्टर मायाधर मान सिंह से कहते 1852 मसीह जन्म एवं तांकर घर होची रड़ाखोल सन्निकट कांकड़पड़ा ग्राम तिरोधान होता 1895 मसीह तेणु तांकर जन्मस्थान कोटा जन्म समय केबे से प्रकृत रे अंध थिले कि नथिले ए विषय रे बाद विवाद वितर्क लागि रहिछि किंतु मोर एक साधु मतवाद या जे ए सबुर द्वंद्व रे न पड़ी भीम भाई जो अमर सृष्टि करि जाइछन्ति से जो ग्रंथ रचना कर तार निरपेक्ष मूल्यायन हो ओडिया साहित्य इतिहास स्थान ठीक भाव निरूपित होकर जो कवित्वर महिमा द ग्लोरी द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ पोएट्री ही हैज क्रिएटेड ताको अमर करा जाओ ताको बंचा जाओ तांकर कविता संपर्क तांकर ग्रंथ संपर्क आलोचना हो संदर्भ लिखा जाओ रिसर्च हो गवेषणा हो एवं संदर्भ रचना हो एवं तांकर काव्य कविता भितर जो काव्यिक सौंदर्य रही विश्व दरबार में उपस्थापन करा जाओ विश्व अन्यान्य आध्यात्मिक कवि जो कविता ता सहित भीम भाई कविता को तुलनात्मक अध्ययन करा जाओ ताद्वारा कवि भीम भाई जो मौलिकता थला जो स्वकीयता थला ताको स्पष्ट होकर बाहर करा जाओ एवं ताको विश्व दरबार सम्मुखरे ताको उपस्थापन करा जाओ तबे महिमा गुरु कृपा से कवित्व प्राप्त हेले से जो कविता ग्रंथ सब रचना कर मध्य उल्लेखनीय ग्रंथ हेले स्तुति चिंतामणि निर्वेद साधन ब्रह्म निरूपण गीता आदि अंत गीता श्रुति निषेध गीता अष्टक विहारी गीता पूर्ण संहिता अलेख भजन बा भजनमाला किंतु ये सब ग्रंथ भितर समालोचक माने मतदान करती स्तुति चिंतामणि हूँ मास्टरपीस कालजयी कृति गौरव ग्रंथ इमोर्टल पीस ऑफ वर्क एथिरे स्तुति चिंतामणि रे 100टी पद 100टी बोली अछि प्रति बोली रे 20 पद अछि एवं समुदाय स्तुति चिंतामणि रे 2000 पद विन्यास करा जाय छि एक अपूर्व ग्रंथ एथिरे अच्छी कौन स्तुति चिंतामणि रे अच्छी कौन सृष्टि प्रक्रिया जनित तत्व वेदरे उपनिषद रे श्रीमद् भागवतम रे ए सब बड़ बड़ ग्रंथ मानकरे सृष्टि प्रक्रिया तत्व अच्छे जमी बाइबल रे देखु जेनेसिस जेनेसिस चैप्टर रे सृष्टि प्रक्रिया तत्व से भली भीम भई स्वकीय ढंग रे स्तुति चिंतामणि रे तो सृष्टि प्रक्रिया जनित तत्व को उपस्थापना कर सेपरी अलेख धर्मर सार कथा कौन एवं यह पारंपरिक धर्म ठार कि भाव भिन्न गुरु शिष्य संपर्क निरूपण गुरु किए शिष्य किए गुरु शिष्य कई काठर अभिन्न नुहंती गुरु शिष्य संपर्क पिंड ब्रह्मांड तत्व अलेख स्वामी परिचय निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति सामाजिक पाप सामूहिक पाप और ये पापर मुक्ति पाइबार उपाय कवि व्यक्तिगत जीवन जंत्रणा और संघर्ष कवि विद्रोह भाव
कविंक विरुद्ध रे सामाजिक प्रतिरोध ये सबु आस्पेक्ट्स विषय गुड़िक स्तुति चिंतामण रे संयोजित होती तांकु जब चार वर्ष होता भीम भाई जब चार वर्ष शिशु थे से महिमा गुरु साक्षात हुए से भिक्षा अन्न भिक्षा करुले पा आणिकले पीवापी तापर हठात अदृश्य हो गले गुरु महिमा गुरु बार वर्ष होला बेले भीम भाई अरण्य को चली गले गोरु बच्छा नहींक्री एवं जदि से शीघ्र अरण्य रु फेरी आसती पा तोराणी कि मिले ना हठात बार वर्ष पर गुरु दर्शन हुए गुरु महिमा धर्म दीक्षित करती कहती ए धर्म प्रचार प्रसार दायित्व तो उपर न्यस्त होला किंतु ये गोटे बहुत बड़ विराट दुरूह कार्य था कारण समाज हूँ गोटे पारंपरिक समाज पारंपरिक चिंताधारा पारंपरिक धर्मीय विश्वास ये भितरे गोटे नुआ कथा कहिबा केते दूर लोक ग्रहण करिवे से गोटे मुख्य समस्या था तेणु समाज रे तांकु बहुत लोक गाड़ी गुलज करथिले क्रिश्चियन बोलिकिर कहुथिले तांकु स्वान बोली गाली दउथिले तांकु विधर्मी बोली कहुथिले ये सब गाली अपमान निंदा वर्षना कुत्सा तांकु सह्य करिया पड़ीथिला सह्य करी ता भीतर संघर्ष करी से नुआ धर्म स्थापना करथिले एवं से जो महिमा धर्म स्थापना करथिले महिमा धर्म को बहुत लोक ग्रहण करनथिले एथि पई कि जहा पौतलिकता विरुद्ध अर्थात मूर्ति पूजा को महिमा धर्म स्वीकार करे ना ये हूँ निर्गुण ब्रह्म उपासना कथा ये निर्गुण ब्रह्म किए तेणु महिमा गोसाई जे गुरुदेव एवं ब्रह्म ये एक अभिन्न जे महिमा गुरु से हूँ ब्रह्म एवं ब्रह्म किए ना ब्रह्म हूँ अनाम नाम ना एवं अलेख निर्भेद निरहंकार त्रिगुणातीत सत्व गुण सत्व रजतम त्रिगुणातीत अमन तांकर मन ना अलेख गुरु ही स्वयं गुरु ब्रह्म पुरुष से निष्काम पुरुष एक पाद ब्रह्म तांकर पाद गोटे अपाप पुरुष पाप स्पर्श करे ना मात्र जीव हूँ सकाम पुरुष एवं से दुई पाद विशिष्ट राग ईर्षा अहंकार न छाड़े जड़े महिमा धर्म और सार कथा ग्रहण करी पर स्त्री परधन उपरे आखि पकाइबो नाही महिमा नाम सब स्मरण करुथिबो गुरु शिष्य तंकर मन और आत्मा हूँ एक पाप निवारण पई ज्ञान ही एकमात्र औषधि बहु औषधि ये हूँ महिमा धर्म सार कथा एवं ए सार कथा को प्रचार प्रसार करिवा पई कि से आजीवन संघर्ष चली आसते आघर्ष रु जन्म होला साहित्य काव्य कविता तेबे उपसंहार मु या कहबी जे व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ भीम भोई पोएट्री फॉर मॉडर्न टाइम्स फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये मुख्य कथा एवं से दृष्टि आधुनिकतार काव्य परंपरा सह क्यों दृष्टि भीम भाई संपर्कित ये प्रश्न उत्तर मुझे कंक्लूजन पार्ट उपसंहार कह एक निर्दिष्ट जुक्ति प्रतिष्ठित एवं ये जुक्ति खोजी मुझे गोटे प्रबंध में जहाँ रचना कर टीएस एलियट आधुनिक जुगर विशिष्ट कवि और विशिष्ट समालोचक जो प्रबंध रचना कर प्रबंध टाइटल हूँ रिलीजन एंड लिटरेचर धर्म और साहित्य से कहते जे गुड पीस ऑफ वर्क गोटे भल साहित्य कृति एवं गोटे श्रेष्ठ साहित्य कृति ताकि पार्थक्य गोटे भल साहित्य कृति हाँ से भल भाषा रही दरकार शैली ररकार छंद रहा कथा विषय वस्तु घटना चित्रण रूपायन ये सब रहा कथा गोटे से भल साहित्य कृति पाठक मन को छुए पाठक मान आदर करते कि गोटे श्रेष्ठ साहित्य कृति भाव क्लासिक गोटे कालजयी कृति हम गौरव ग्रंथ हम ताप कौन विशिष्ट उपादान आवश्यक एलियट कहते रिलीजन एंड लिटरेचर प्रबंध में
ଯେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିନ୍ୟାସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବଶେଷରେ କବିତାଟା ସାହିତ୍ୟରେ କାହା ପାଇଁ? ସମାଜ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବ, ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା ଦେବ, ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେବ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ, ଦର୍ଶନ ଦେବ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ, ଆଲୁଅ ଦେଖେଇବ, ସେଇଟା ହଉଛି ସାହିତ୍ୟିକର ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦି ଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଲିଟରେଚର ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲାଇଜେସନ। ଡକ୍ଟର ଏଫ୍ ଆର୍ ଲେଭିସ୍, ନବ୍ୟ ସମାଲୋଚକ, ନ୍ୟୁ କ୍ରିଟିକ୍, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷକୁ ଛାଡିକି ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜ, ଧର୍ମ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଏସବୁର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ମଣିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ମାନବବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ କହିବୁନି କି ସାହିତ୍ୟ କହିବୁନି। ମୋର ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁନାହିଁ, ମୋର ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁନାହିଁ। ପ୍ରତି କବିର, ପ୍ରତି ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ରହିଛି। ଏଲିଅଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା ହବ କେତେବେଳେ ନା, ଯଦି ଇଫ୍ ଏ ଆନ୍ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ, ଇଫ୍ ଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍। କବିତା ଭିତରେ ସବୁ ରହୁ, ଭଲ ଘଟଣା, ଭଲ ଚରିତ୍ର ରହୁ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ଜୀବନଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ହଉ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା, ଗୋଟେ ଜୀବନର, ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଜୀବନର ଶେଷରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲିଭିଂ। ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛେ, ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛେ, ଆମ ଜୀବନର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ସେଟା ସାହିତ୍ୟିକ କହିବ, ସେଟା କବି କହିବ। ଯଦି ସେଟା ରହେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ଅସତ୍ୟ କ'ଣ, ସେ କେବଳ କବି କହିପାରେ। ଅନ୍ଧାର କୋଉଟା, ଆଲୁଅ କୋଉଟା, ତାର ଡିଫାଇନ୍, ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଦବ କବି। ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ହେଇକିରି ସେ ସମାଜକୁ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ, ଏଇଟା ହଉଛି କବିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଲିଅଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନ କରୁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଲେ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ହେଇଗଲା, ମସିହା ହେଇଗଲା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନୁହଁ, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ଭାବରେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଯେ ଦେଖ ଜୀବନର ମହତ୍ଵ ହଉଛି ଏଇଠି। ସେଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ସହିତ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ। ବିନା ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା, ବିନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ସତ୍ ସାହିତ୍ୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଲିଅଟ୍ଙ୍କର ଏ ଯୁକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରିବି ଏହା ଯେ ଭୀମ ଭୋଇ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ କବି, ଯିଏ ସାହିତ୍ୟର ଅତି ଚମତ୍କାର ଉପମା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ, ଆଲୋକର ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଉପନିଷଦ ଦେଖେଇଛି, ଯୋଉଟା ବେଦ ଦେଖେଇଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଭୀମ ଭୋଇ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ କଥା କହିବି। ସେ ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଯେମିତି ଏଲିଅଟ୍ କହୁଥିଲେ, ଟଲଷ୍ଟୟ ସେହା କହୁଥିଲେ ଯେ କାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ କୃତି କହିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆସମ୍ପସନ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର। ଟଲଷ୍ଟୟ କହିଲେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ କୃତିଟିଏ ପଢୁ ପଢୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋତେ ମିଳିବା କଥା ପାଠକ ହିସାବରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହା, ମୁଁ କିଏ, ହୁ ଆଇ ଆମ୍, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା, ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର, ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଯଦି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ପାଠକର, ତାହେଲେ ସେଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ଜୀବନରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କୋଉଟା ଶ୍ରେୟ, କୋଉଟା ପ୍ରେୟ, କୋଉଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଟଲଷ୍ଟୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବା ଏଲିଅଟ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉଛୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ କବିତାରେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି। ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ହି ଇଜ୍ ଏ ପୋଏଟ୍ ଫର୍ ଦି ସବାଲ୍ଟନ୍ସ, ମୁଁ କହିବି ନା, ସେ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପତିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ,
ଏଥିରେ ନିଃସନ୍ଦେହ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ସବାଲଟନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେ କେବଳ ସବାଲଟନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁକି, କି ପୁରୁଷ କି ନାରୀ କି ବେଦାନ୍ତି କି ଜ୍ୟୋତିଷୀ କି କବି କି ପାଠକ କି ଉଚ୍ଚ କି ନୀଚ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ମହିମା ଧର୍ମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସୋ ଇଜ୍ ଏ ପୋଏଟ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭିଜନ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କବି ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ତାହା ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, ତାହା ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି, ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କଣ ମିଥ୍ୟା କଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ସାର କୋଉଟା ଅସାର କୋଉଟା ଜୀବନରେ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି UNO ଜାତିସଂଘର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ମରଣୀୟ ଧାଡି ଗୁଡିକ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇ ରହିଛି, ସେ ଧାଡି ଗୁଡିକ ହେଲା ୟା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। କି ଚମତ୍କାର ଧାଡି, ଏ ଧାଡି ଏ କବିତାର ଧାଡି ହଉଛି ଆଧୁନିକତାର ପରମ୍ପରାର କାବ୍ୟର ଧାଡି। ଇଏ ଆଧୁନିକତାର ପରମ୍ପରା ଯାହା ସେ ହଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ, ସେଠି କାଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ତାକୁ ତାର ସୀମାରୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ହଉଛି ସେ ଭୀମବହି ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଚେତନାର ବାହକ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପକ। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ କୁ ଏଠି ମୁଁ ବିରାମ ଦେଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ତଥା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିବ, ଏବଂ ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଭୀମଭୋଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚେୟାର ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଡଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସଜେସନ୍ସ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଭୀମଭୋଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚେୟାରକୁ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଅତିଥି ମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଆପଣ ମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଗୋଟେ ଭଲ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଆଉ ସିନିୟର ଏକାଡେମିକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମେନ୍ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଆଉ ତ ପଞ୍ଚଶେଖା ଆଉ ଭୀମବହିଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଏ ସବୁର ଭଲ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ ଆରାମରେ, ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ଦେର୍ ବି ଏ ଗୁଡ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲୋ ଅଲ୍ ଦି ସିନିୟର ଏକାଡେମିକ୍ସ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ସ ଲିସନ୍ ଟୁ ଦାଟ୍। ରାଇଟ୍, ଓକେ ଓକେ। ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଦରକାର କି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କରିବେ କହୁଥିଲେ? ଶୁଣାଯାଉନି, ଆଉ ବସନ୍ତୁ ଶୁଣାଯାଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ପାଖରୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ଆସୁନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ପଞ୍ଚାନନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକମତ ଯେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଦବା କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସମ୍ମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିନୁ, ଯେ ତାଙ୍କ ଲେଖାର ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ହବ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା କଥା। ଆଉ କେବଳ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯାହାକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଇପାରିନି ବା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭିଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକମତ ହେବି ଯେ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ,
आम लेखा को कृति गुड़ा को विश्व दरबार में कमी पहुंचेबा सेटा आम लक्ष्य हवा कथा ये कही मोर बक्तव्य शेष धन्यवाद धन्यवाद हेलो 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 हाँ सर सर नमस्कार मु श्याम श्याम भाई कहते श्याम भाई कहते हाँ समस्त को नमस्कार पंचानन सर को मोर प्रश्न जे भीम भुई समकालीन ओडिया साहित्य जगतर जो तारका सब अच्छा आम जो राधानाथ राय को गंगाधर मेहर को यही प्रमुख सारस्वत साधक को आम जिते आलोचना करकी मर्यादा देचु समकाल जड़े महान कवि जी गोटे दिव्य जुगर द्रष्टा बोली आम जहां मान्यता दौ ताकूत कम आलोचना कहीं कराई पचर कौन थाए कारण थे प्रोफेसर पंचानन मिश्र सार कहीपर कि कहीं भीम भुई संपर्क कम आलोचना भीम भुई एत उपेक्षित कहीं सर पंचानन सर हाँ हाँ सर बहुत बहुत चमत्कार प्रश्न साहित्य इतिहास रे घटना सब घटी थाए जे जड़े जड़े कवि उपेक्षित ही रही जाती आउ जड़े कवि लोकलोचन को बेसी आसी जा कारण कारण हूँ ए पोएट नीड्स टू बी प्रमोटेड जेम धरंतु आज ए जो कार्यक्रम टी हला ये हूँ गोटे अटेम्प्ट टू प्रमोट ए पोएट ए जेन्युइन पोएट तेणु भीम भाई को प्रमोट करने मर्यादा तांकर स्थान दवा पे कि समाज रे सेतिकि चेष्टा बा प्रयास नथिला सेतिबे से अवहेलित न गला तांकर काव्य कविता संपर्क रे आलोचना करिबा तांकर काव्य कवितार महत्व को आविष्कार करिबा जुक्ति द्वारा राधानाथ ए पंचसखा कवि एवं भीम भोई को भितरे जो पार्थक्य अछि राधानाथ तांको भीतर जो पार्थक्य अच्छे ए सब को आलोचना ताको विश्लेषण दरकार ताको जुक्ति दरकार विमर्श दरकार देयर शुड बी डिबेट्स डिस्कोर्स डिबेट्स हब डिस्कोर्स हब ताको जेमती प्रमोट करिबा कथा सेथिबे कि सेते हेई पारि नै सेथिबे से अवहेलित रहै बर्तमान आमर परम कर्तव्य होला भीम भई चेयर जे प्रतिष्ठित होईछि तार मुख्य अभिमुख्य हब हाउ टू प्रमोट दि पोएट What are the necessary ingredients, components to achieve it? धन्यवाद धन्यवाद सर नमस्कार आज भी किसी प्रश्न था अच्छा मो किसी कोई भी पंचानन सर हाँ कल दस वो कौन तो स्वागत जोगियो प्रथमे अपन को बहुत धन्यवाद भी अपन को सारे गर्भ को वक्तव्य पे ही धन्यवाद धन्यवाद संक्षिप्त बहुत भल खाली किसी मत रखे डॉक्टर श्याम भाई जो कहले सब से प्रश्न आसे जे भीम भाई जो समय पंची थे गंगाधर मेहर थे राधानाथ राय से इंस्पेक्टर थे ओडिशा सब जगह बुली थे गंगाधर मेहर भीम भाई जो रोते पाखे थे बहुत दूर भी ना नंदकेश्वर बड़ थे संबलपुर हाईस्कल हेडमास्टर थे से समय कि मेनसन करवर्ती समय जो मैंने भी ओडिया साहित्य इतिहास लिखले मैंने भीम भाई को दे ना स्थान से मत लगे हम तो गोटे प्रस्ताव आसे अनेक समय ये ओडिया साहित्य इतिहास जो लेखा है कि एपर्त समय पीढ़ी रे भीम भाई को केते माने समालोचक माने मन पकाई नटवर सामंत ठू आरंभ कर समालोचक अच्छे 1803 रु 1920 माने कालखंड विषय कहला समय भीम भाई चर्चा आसुना सेटा गोटे कथा कि आउ जोटा कि हरिश्चंद्र बाबू भी कहते जे भीम भाई श्रुति चिंतामणि छाड़ी अन्य अनुवाद हवा मुझे संपूर्ण एकमत एक्चुअली ओडिशा रिसर्च प्रोजेक्ट आनुकूल्य कि जो अनुवाद आम कर भजनमाला कि अनुवाद आम कर जोटा से जर्मन रिसर्च काउनसिल
ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ହେଡେଲବର୍ଗ ସେଇଟା ପବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ କୃତି ଅଛି ତାର ଅନୁବାଦ ନିହାତି ହେବା ଉଚିତ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ଆସେ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ, ଯେ ଭୀମା ଭୋଇ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଶିଷ୍ୟ ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା ହରିହର ପଣ୍ଡା, ଯେ ଯେଉଁମାନେ କି ତମେ ଲିଖନକାର, ଆଉ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠିକି ତମେ ଦି ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍, ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେୟାର୍, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଇଆଡ଼େ ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାନେ ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୀର୍ତ୍ତନ, ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ରେସିଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଗାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇଟା ଏକା ସମୟରେ ଚାଲିଛି। ଭୀମା ଭୋଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଭଜନମାଳାରେ ସେସବୁ ଆସେ, ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଲିଖନକାର ମାନେ ଥିବେ, ଚାରି ଜଣ ଲିଖନକାର ବସିଥିବେ, ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଚାରିଟା ପଦ ମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି ସେ କହିବେ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଲେଖନକାରକୁ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ, ତୃତୀୟ ଲେଖନକାରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଲେଖନକାରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଲେଖନକାରକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପଦ କହିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଭେରି ଅନେକ ସମୟରେ କବିତା ଆଉ କବି କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖୁନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୀମା ଭୋଇ ମୋତେ ଲାଗେ ଗୋଟେ କବି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟା, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ସେ ତାଙ୍କର ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ମାନେ ସେଇ ସମୟ ଆକାଶ ବାୟୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲତା ମାନେ ଯେଉଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଯଦି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭକ୍ତ ଥିବେ, ମୁଁ ଭାବେ କଳ୍ପନା କରେ ଯେ କେମିତି ପରିବେଶ ହେଇଥିବ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ, ଇଭିନ୍ ନେଚର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଭାଗ ନେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରତିଥର ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଭୋଇ ସେ ସମାନ କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିବେ, ଗାୟନ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, ସମାନ କବିତାକୁ ନିଜେ ବୋଲୁଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଳି ଧରି ମାନେ ସେଇଟା କୀର୍ତ୍ତନ ଆକାରରେ ଗାଉଥିବେ, ମାନେ ପ୍ରତିଥର ସେ ସମାନ କବିତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସୁଛି, ମାନେ ଯେମିତି ମୋତେ ହୁଏ ମାନେ ଭଜନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ସେ ଗୋଟେ ସମାନ ଭଜନ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସୁଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କବିତା ନୁହେଁ, ଆଉ କବିତାର ଭବିଷ୍ୟତ, କବିତାର ଆମେ ଆଧୁନିକତା କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ମାନେ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ ସୃଜନକାର ସୃଷ୍ଟି ସେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କବିତାଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାଠ କରାହଉଛି କି ସେମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ କବିତା ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସୁଛି, ଗୀତ ସହିତ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ମାନେ ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ କବିତାର ସଫଳତା ପଛରେ କେବଳ ଗୀତ ନୁହେଁ, କେବଳ କବି ନୁହେଁ, ଶ୍ରଷ୍ଟା ନୁହେଁ, କି ଭକ୍ତମାନେ ବି ନୁହନ୍ତି, ତା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ତା ସହିତ ପରିବେଶ ମାହୋଲ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ସେଇଟା ପ୍ରତିଥର ବଦଳୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି କଥା କହିବା, ଆଧୁନିକତା ପରମ୍ପରା କଥା କହିବା, ଏଇଟା ଜଣେ କବି ଯିଏକି ତମାନେ କେବଳ ଶ୍ରଷ୍ଟା, କେବଳ ସୃଷ୍ଟି ତା ବିଷୟରେ କହିନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ତା ଶ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ବାହାରେ କିଛି ପରିବେଶ, ଯେମିତି ଭକ୍ତ ମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଭୀମା ଭୋଇଙ୍କର ଗୀତକୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ସେଇ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ହୁଏତ ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ଆକାରରେ କେତେବେଳେ ମୁଁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଇଟା ଅନେକ ସମୟରେ ଛୁଇଁଛି। ଆଉ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ହେଲେ କି ଶ୍ୟାମ ବାବୁ ହେଲେ, I am thankful to the esteemed Vice Chancellor that he had taken up this initiative to begin this. Our
प्रदीप बाबू माने जो आयोजन करछंती तंको बहुत धन्यवाद देवा उचित आ जो माने जेमती आजिर एई सभा जो माने भाग नउछन जो माने सुनछन माने इस टाइम यू कम टू अ पर्टिकुलर पोएम यू कम विथ अ डिफरेंट मीनिंग इस टाइम यू लिसन टू अ पर्टिकुलर सॉन्ग यू कम आउट विथ अ डिफरेंट एंबियंस सेटा अनेक समय छुए there is no absolute meaning absolute text single text comes with different meanings at different times seta anek samay re chue au professor panchanan mishra wordsworth ke katha kahile mate lage that is a very mane valid die mane anek samay re sei samay re banchutwa ingraji kavi jo mane thile माने जॉन किट्स 1795 ये 1895 माने भीमा भाई का महाप्रयाण हूँ माने 100 वर्ष पर माने समय यदि कह जाए माने 19 सेंचुरी रे जिते सब इंग्राजी बड़ बड़ कवि थिले से माने केमती माने सृजन प्रक्रिया चली थिले आउ एठी जने कवि आमे कहिबा विदाउट बेसी फॉर्मल एजुकेशन नहीं शुणी शुणी माने गुड़े माने सृजन प्रक्रिया को बचाई रखी थे आईटा माने भीमा भाई जो समय बंची थे से समय जो ओरल लिटरेचर वाज वेरी मच इनवॉल्व आ भक्त माना लिखुले शुणापी गायबापी कविता जमती माने से आमर जो श्रवण प्रक्रियाटा बहुत कम कर जोते बड़े प्रिंट को आसला मैं कविता को जो छपा हला समय आमको भावेबा को पड़ो कहीं केवल आम दृश्य काव्य जमती हो देखला समय तार आमको चिंता करने को पड़ो ना ना भीमा भाई केवे कविता छपेवाई कि बही आकर पब्लीश करने कर मैंने से जगार ओरल ट्रेडिशन वाज वेरी मच जोटा भागवत रूठ आनी पंचसखा कवि मान मान से बहुत गुरुत्व देते सो से आम आखि रखी आम जिते भीमा भाई को गोटे प्रिंट कल्चर अगेन्स्ट देखा आम कौन पाऊ कौन हर बस आम केमती मान ही वाज ट्राइंग टू एसिमिलेट ऑल द थिंग्स माने दि नेचुरल यू नो एटमॉस्फेयर इन व्हिच वाज वर्किंग इवन माने गछ हलुचे पवन बहुचे भक्त माने बसछंती संगीत लहर आसछे आउ भीमा भाई ध्यान रे अछंती आउ तांकर स्क्राइब लेखनकार माने लेखुछंती माने केते सब काम एक समय चली आईटी मत लगे से आधुनिकता गोटे नूतन परंपरा सृष्टि होमा भाई सर नमस्कार कंक्लूड कर सर हम सर मुझे पचारे जस्ट मिनिट पंचानन सर नमस्कार सर शुनी पार मत पंचानन सर नमस्कार बहुत सुंदर भाव उपस्थापन कले भीमा भाई को उपरे मोर गोटे जिज्ञासा प्रश्न नुह मोर गोटे जिज्ञासा भाभी पारते जो आप जो कहले भीमा भाई जो प्रतिष्ठा कर जो महिमा धर्म जो निर्गुण ब्रह्म कथा जो कही यहाँ पूर्व निर्गुण ब्रह्म कथा वेद उपनिषद बद्ध उपस्थापित स्वामी दयानंद सरस्वती बद्ध निर्गुण ब्रह्म कथा कही प्रतिमा पूजा को से बद्ध विरोध कर मोर जिज्ञासा हला जे सी निर्गुण ब्रह्म कथा जोटा से प्रतिष्ठा कले आम संत कवि भीम भई महिमा धर्म बोली कहीं कह गला नूतन भाव में महिमा धर्म एवं से निर्गुण ब्रह्म भीतर से एक विशेष पार्थक्य रही कि जो नामकरण कर गुरु हेले महिमा गोसाई गुरु नाम धर्म नाम जे गुरु से ब्रह्म जे गुरु से धर्म ये सब अभेद्य तत्व है
निर्गुण ब्रह्म उपासना एवं सगुण ब्रह्म उपासना संत कवि तुलसीदास श्रीराम चरित मानस स्पष्ट भाव में कहते ये सगुण आ निर्गुण भितर किछि पार्थक्य नाही लक्ष्य एक ईश्वर प्राप्ति जे सगुण बाटे जाउचि से जाउ जे मूर्ति पूजा करिकि जे निर्गुण भाव रे करि जाउ किंतु निर्गुण धर्म निर्गुण उपासना टिके कष्टकर उपासना एथि बेंगि जे होचि ज्ञान मार्ग। हां सर सेइटा त बुझा पडुचि जे ए महिमा नामकरण रो कोन महिमा गोसाई परे से गुरुंकर नाम जा महिमा गुरुंकर नाम देले महिमा गोसाई से गुरुंकर ना रे धर्मर ना एवं महिमा हूँ कौन ग्लोरी ग्लोरी ऑफ हुम ग्लोरी कहार से गुरुंकर से ब्रह्मंकर तेणु जो धर्म गुरुंकर एवं ब्रह्मंकर महिमा संपर्क में प्रचार प्रसार करे ताकु महिमा धर्म भाव में अभिहित करागला। धन्यवाद सर। इट इज इन फेवर ऑफ द ग्लोरी ऑफ द गॉड गॉड द ग्लोरी ऑफ गुरु शक्ति। हाँ सर सर नमस्कार मु सुबुची की सर। हाँ सुबुची। हाँ पंचानन सर धन्यवाद अपन सुंदर भाव रे विश्लेषण करले बहुत दिन परे अपन को भाषण सुनिबा को मिलला मोर खाली दुईटी कथा कहिबार अछि गोटे हला जे कालिदास सर जो कहुतिले भीमभोई से सब डाकी दौले वासुदेव पंडा एवं हरिहर पंडा लेखुले मान दुज से वासुदेव पंडा जो लेखा निजस्व लेखा पांडुलिपि से बर्तमान समलपुर विश्वविद्यालय इतिहास विभाग म्यूजियम आनी आमे ए जो वर्तमान आमे जो जोटा जोटा पब्लिश है छी ता सहित याकु कंपेयर करी आमे गुटे अलगा प्रकार जदि विश्लेषण करिबा को कोटा भूल रही छी को कोटा असुविधा हो छी को शब्द गुडा को से लेखी छंती किबा कहि छंती आरंभ रु कहि छंती किंतु परे परे सेटा इंटरपोलेट हे कि टिके अलगा हि जाई छी सेई सब ऊपर आमे आलोकपात करी पारिबा सेटा गोटे कथा आ गोटे कथा हला सर जे बहुत दिन तले एमती गोटे सेमिनार होतला आउ सेई सेमिनार रे तार जो विषय वस्तु थिला जे भीम भयंकर कविता रे क्रोध भीम भयंकर कविता रे क्रोध जे तार जे मुख्य थिले तांकु डका हाइतला से बहुत बिगड़ी जाइथिले कोले भीम भयंकर कविता रे क्रोध कोठो आसिला बहुत रागी जाइथिल एवं बिगड़ी जाइथिल पण आमोर कहिबार कथा हला जे आम मानंकर अनेक लोकंकर इमिति गोटे मानसिकता अछि कि आमे केवल भीम भईंकर धर्म एवं आध्यात्मिकता भितरे निजकु सीमित रखि दउछु तांकर कविता रे क्रोध अछि तांकर कविता रे विप्लव अछि तांकर कविता रे ए जो अप्रेस्ड क्लास सेमानंकर जो चेतना एवं सेमानंकर जो वॉइस सेईटा प्रतिफलित होउछि एवं ये गोटे विप्लवी कवि हिसाब रे भी आमे ठीक 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 नै पारिबा एई लाइन रे आमे निजरो मनटाकू मा निजकू आमे संकुचित न करिकरी आमे जदि ओपन माइंड रे एई सब विषय रे चिंता करंता ताहले होय तो ए जो आपनकर आजिरो जो वक्तव्य जे आधुनिकतार परंपरा ओ कवि भीम भई यारी उपरे आउ टिके अधिक आलोकपात करा जाई पारन। আজি মু বহুত ইন্টেন্সলি শুনিলি ভাইস চ্যান্সেলর স্যার যাহা কহিলে তাঁকর ভিজন অনুসারে चेयर निश्चय आग को बहुत किसी कार्यक्रम कर मनरे सब किसी ह्यूमन रिसोर्स आवश्यकता रही निश्चय तेणुक चेयर साथ गुड रिसर्च स्कॉलर्स जो मैंने थे भीम भईरे गवेषणार आग्रह थवल गतानुगतिक भाव गवेषणा कर अर्थ न थाए
कहीं देखा जाए बहुत गुड़ाए गवेषणात्मक संदर्भर सब्सटेंस किछ नाही आउ आशा रखुची जे उपयुक्त ह्यूमन रिसोर्सेस मानव संबल ए चेयर साथीरे संलग्न हबो आगामी दिन मानक आउ ए पर्यंत जहा किछ कार्य करा जायछि भयंक उपरे से गुड़िक एकाठी गोटे स्थान रे रही पारिछि कि नाही से विषय रे मु जाने ना हुए तो सेटा साहाज्य करि पारे भविष्य ए पई गवेषणा पई आउ जो मामे यूएनओ कथा कहुचु यूएनओ रे लिखित अछि तांकर पंक्ति भीम भयंकर से पंक्ति केबे लेखाई थिला किए सेटा को लेखे बारे साहाज्य करथिले एवं यूएनओ रो जो माने सब अधिकारी अछंती बा तांकर डॉक्यूमेंटेशन सेंटर अछि सेथिरे भीम भयंकर विषय रे कोन रहिछ ए विषय आमे सचेतन अछु कि ए कथा गोटे मन को आसिला तापरे श्रीजुक्त कालिदास जहाँ सब कहले बहुत पिन पॉइंटेड भाव में कही भितर बहुत किसी मार्मिक कथा अच्छी आनालाइज कले भावी जहाँ किसी रेकर्डिंग आज वेबिनार रे से सब को आउ थे एनालिसिस विश्लेषण कर सुजोग आसे चेयर तरफ रु आेष डॉक्टर पंचानन मिश्र को साधुवाद देवी खूब सीमित समय भितर एक विहंगावलोकन करे एक बहुत प्रशस्त विषय कि खूब चुंबक बहु कथा से ताइले काव्य तत्व रही भितर दर्शन रही भितर भीम भईंकर स्थान भी रही भारी मन को छुई आगामी दिन मानक जेहेतु करोना महामारी प्रभाव पड़ रही चारिड़े आगामी दिन मानक मुझुच काम तो आगे निश्चय तार सुगति आगे कि तो जो माने आज उपस्थित अच्छा बहुत वयस्क गवेषक इंग्राजी हिंदी एवं ओडिया भाषा रे से माने सब जमीतिया जो अभिज्ञता चेयर जमी व्यवहार कर पार मुटा अनुरोध करुच्ची बहुत वयस्क लोक बहुत वयस्क गवेषक बर्तमान बयस शिखर से पहुंचीगले ए कोरोना काल भितर ही जदि किसी से दायित्व दिया जाए ताले ए महत कार्य सठिक समय रे निर्वाह करा जाई पारे अशेष धन्यवाद नमस्कार अच्छा सर मोटिके पंचानन अच्छा प्रोफेसर राजा राव से हाथ टेकी प्रोफेसर राजा राव से पचार हाँ जो पारंपरिक ट्रेडिशन सब रही सब वेदांतिक ट्रेडिशन विभिन्न प्रकार ट्रेडिशन रही हूँ गोटे द्वैतवाद अद्वैतवाद शुद्ध अद्वैतवाद चिंत्य वेदवाद आई विशिष्ट अद्वैतवाद शून्यवाद ये सब जो परंपरा रही जो ट्रेडिशन रही पूर्व प्रारंभ वक्तव्य प्रारंभ में कहले जे यार गोटे मेटाफिजिकल बैकग्राउंड अच्छी से निर्दिष्ट भाव को बैकग्राउंड को आपण रिलेट करें भीम भोई चिंतन को टे आलोकपात करेंगे कि सर देखो भीम भोई जो अलग धर्म प्रचार कले बहुत आगुरी थी जेमती आमर वेद उपनिषद परंपरा से निर्गुण तत्व ज्ञान जुग साधना करी करी ब्रह्म को पाई हम प्रभु को पाइबापे कि भक्ति ज्ञान कर्म ये तीन टा हूँ माध्यम तेबे ज्ञान को श्रेयस्कर मन करी जो भगवत उपनिषद एवं वेद जो प्रस्थान रही है ब्रह्म सूत्र से कथा कह निर्गुण तत्व उपरे जो आमर जो गोटे फिलोसफिकल थिला बैकग्राउंड ताको भीम भोई ओडिशार भूखंड भितरे ताको गोटे निजर भाषा रे लोक बुझला भड़ी सेई भाषा रे से तत्व को देले एवं ताको गोटे तारे गोटे कोड ऑफ कंडक्ट से रखिले जे महिमा धर्म को अवलंबन जे करिवो से को नियम पाळिवो से किसे जाति धर्म
पुरुष स्त्री किसी तरह किसी भेदाभेद नथिला एनी वन कैन बी फॉलोअर ऑफ महिमा धर्म किंतु ताको गोटे निर्दिष्ट श्रृंखला भीतर रहिबा पड़ता एवं सेटा होची विशेष भाव गुरु उपासना गुरु हूँ सब कुछ गुरुवाद प्रतिष्ठा महिमा धर्म यह निर्गुण ब्रह्म उपासना हेले मध्य एटा केंद्रीभूत होइछि गुरु उपासना उपरे ये गुरु इज कैपेबल ऑफ ग्रांटिंग एवरीथिंग मुक्ति मुख्य से दे पारिबे ज्ञान से दे पारिबे आत्मार परित्राण से कर पारिबे तनु गुरुंग उपरे अखंड विश्वास दरकार गुरुंग उपरे विश्वास नथिले से महिमा धर्म फॉलोअर हे पारिबो नाही आउ लोक माने बुझी पारला भड़िया लोक माने ग्रहण करला भड़िया से अति सरल भाषा रे सरल भाव रे से लोक मानको एतरे से बाट देखौथले तेनु आमर जो वैदिक उपनिषदीय परंपरा थिला ताकु से आहुरी सिंप्लीफाइड कर देले सरलीकृत कर देले करि देकरे गुरुंक उपरे आस्था रख एवं केवल किछि करो नै तमको विशेष पूजा पद्धति किछि दरकार नै खाली महिमा 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 सब बेले नाम जप कर एवं तांक उपरे विश्वास रख भक्ति रख सब पाइ So he made Nirguna Brahma Upasana very simplified. Thank you. Tamane sir, tankaro vyavahariko. Raja Rao sir. Sare Raja Rao, Professor Raja Rao sir, kono gote pochare bhai jaunthile sir. Professor Raja Rao sir. प्रोफेसर राजा राव सर सुनु चंदे सर प्रोबब्ली ही हैज लेफ्ट प्रोफेसर राव हैज लेफ्ट इट लुक्स लाइक सर 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 पंचरण सर नमस्कार सविता त्रिपाठी कहूची आपनकर शिष्या ओ थैंक यू सो मच बहुत सुंदर भाव रे आपण कहिले एते माने एते भलो भलो लागिले हमर साम घर समस्त सुनुचंदे सार भी सुनुचंदे म समधुनी बसे हम सम घर सुनुतुल बसे खूब सुंदर कहिले सर बहुत धन्यवाद बहुत किछि जानिली भल लागिला सर नंदकिशोर को धन्यवाद जणे आपण एमिति समस्त को ज्ञान दउ थांदे सर आपण को भगवान एक कृपा करते थैंक यू सो मच सर नमस्कार मोहन सर आपण पचारथले की मोहन मोहम्मद सर हां पचारथली तमने सर अमर जो अंकर भीमभोईंकर जो चिंतन धारा रहिछि सेटा तार जागतिक स्तर रे बेसी रहिछि तार परमार्थिक व्यवहारिक स्तर रे आमे तार उपयोग करू किन तार गोटे पारमार्थिक सत्ता निर्दिष्ट भाबे रहिछि ताकु ता सहित संयोग नकले सर आमे टिके थॉट टाकु गोटे सिस्टमेटिक वे रे प्रेजेंट करिया आपे टिके कष्ट करो प्रश्नटा कोन माने परमार्थिक आउ पार्थिक पार्थिव हां ताकु जोडीबाटा ताकु निहाति भाबे नै सर हां सर परमार्थिक स्तर ताकु निर्दिष्ट भाबे जानिया दरकार सर हां जानिया दरकार किंतु भीम भई परिष्कार कहुतले जे एभळी से जमि रे हळ करथुबा जो चासी ताकु कहिसेंती घरे गृहिणी जो स्त्री माने अछंती ताकु मध्ये कहिसेंती जे तोबर नित्य नैमित्तिक दैनंदिन कार्यक्रम करिबा भितरे तोय मध्ये पूजा महिमा धर्म को आचरण कर पार कि असुविधा ना जे जार कौलिक वृत्ति कृषक दार चाष कला गृहिणीदार घर कर्म कर्म कला भितर से महिमा महिमा सब जप स्मरण कर विश्वास भक्ति से अटल रखी से मुक्ति पाई तेणु भीम भई गोटे कर्मवादी थे से पृथ्वी मनीष समस्त विश्वास रखी थे एवं जीवन धारा उपर विश्वास रखी थे सब काम ठीक भाव में सुचारू भाव चलू ता भितर धर्म रहू आध्यात्मिकता रहू एवं ईश्वर प्राप्ति हो जो मार्ग अति सुगम मार्ग भगवान भगवान कृष्ण बहुत गीतार से कथा कहते कर्म जोग जे कर्म कर एवं मो ना नौ था जो काम कर से कथा भीम भई कहते हिसाब से तेणु ये पारमार्थिक एवं पार्थिव या जोड़ा किसी असुविधा ना
जदि जन साधक भक्त जन धर्म विश्वासी जदि से रास्त गला किसी असुविधा ना मो निज कम कर प्रभु विश्वास रखुति प्रभु नाम नौ प्रभु नाम हूँ महिमा नाम गुरु नाम तेणु अटल भक्ति दरकार श्रद्धा दरकार विश्वास दरकार जहाँ मध्यम मु मो जीवन रु कर्म संपादन करने सत्वे महित सहित मु जीवन रेष्ठ गति को प्राप्त हो पार यार सरल मार्ग से असुविधा ना ये भूमि को भूमा सह जोड़ी हम पृथ्वी को दिव्यालु दिव्य लोक सहित जोड़ी हम पिंड सहित ब्रह्मांड को जोड़ी हम किसी असुविधा ना इट्स ए वे ऑफ लाइफ रिलीजन इज ए वे ऑफ लाइफ स्पिरिचुअलिटी इज ए वे ऑफ लाइफ से भीम वही कर धन्यवाद सर नमस्कार कौतुक पंद्र कहूली सर ये भीम भाई को समस्ते आम जानी जे अंध बोल कि मूल रू अंध थिले ना से अंध नथिले जदि अंध थिले ताहले पढ़ा पढ़ी कर नथिले भी लोके कहते तो से केते दूर पर्यंत पढ़ी ना तांकर एमती गोटे दैवी सत्ता थिला तांको भितरे जहाद्वारा से विभिन्न कविता बोली सब रचना करि पारुथिले सर शुणु ये गोटे चिरकाल प्रश्न अंध थिले कि नथिले से गोटे बिवादीय विषय कारण से अन रेकर्ड किसी ना कौन सरकारी नथी बा रेकर्ड रे किसी ना विषय तेज मु गोटे कथा कह अंध थिले किसी असुविधा ना कारण देर आर ग्रेट ब्लाइंड पोएट्स इन वर्ल्ड लिटरेचर कवि होमर अंध थिले कवि मिल्टन अंध थिले हिंदी कवि सूरदास अंध थिले अंध थिले जो दिव्य चक्षु तृतीय चक्षु दि थर्ड आय से उपन्न होता सूरदास को भगवान कृष्ण दर्शन दे थे दर्शन दे कहले तू मत सब देखिपर ना ना मोर दरकार नहीं मुझे आउ थे अंध हो जाए यही बर दिए कहीं से जो तृतीय नेत्र भगवान देते तो मुझे सब देखी पार संसार सब देखी पार्टी मोर ये दुईटा चर्म चक्षु कौन आवश्यक तेणु भगवान कृष्ण कौ दिन कौ बेश हूँ से देखिक न देखिए कि जे दिव्य द्रष्टा ताकि ये सांसारिक ये चर्म चक्षु आवश्यकता किसी न था तार तृतीय चक्षु उन्मीलित दिव्य चक्षु उन्मीलित जोटा भगवद गीतारे से ददामी दिव्य ज्ञान दिव्य चक्षु बोल भगवान कृष्ण अर्जुन को देदेले देखिए से विश्वरूप देखला जदि से आखि जन पाई ये आखि कौन दरकार तेणु अंध थिबा केते नथिबा केते भीम भाई को जे सब बेले द आई अफ विजडम द आई अफ इंट्यूशन जे थे वर्तमान अतीत भविष्य त्रिकाल से तीन टा सब देखी पार्टी कौन आवश्यक तेणु प्रकृति में अंध थे कि ना से गोलक धंधा भितर न पढ़ी भीम भाई कौन ग्रंथ रचना कर सार कथा कौन तो खोज पाइबा हूँ श्रेष्ठ दैट इज द फंडामेंटल अप्रोच टू भीम भाई लिटरेचर That will be doing justice to your voice works. Right. Sir, this is Subrasuransa Pujari, your disciple. So, sir, I have a simple query that even though the poet's ultimate object is to glorify what the Vedantic or Upanishadic teachings preaches, still he has descended that teaching into a mundane common world so that the people to whom he addresses can easily understand that. And I think, can we say that this is the distinguishing feature of Bhima Bhoi that makes him an universal poet? Because I'm reminding of T.S. Eliot's Westland, sir, because towards the end of the poem, even though he ends the poem with Shanti, 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 but whole of his four parts of the Westland are, I mean, it is a conglomeration of whole of the civilization, sir. I mean, both the Western and Eastern civilization. So, parallelly, Bhima Bhoi's poetic vision is also grounded on this object. I mean, even though he is glorifying an ultimate and invincible power of knowledge that we can call it God, yet he has descended that power into a common level or a terrestrial level. So can we say that, sir? This yes, that's a very pertinent point that you make here. Bhima Bhoi was a poet of universal vision. Because he was not writing for any particular community or for any particular area, rather for the whole world. He was concerned for the entire human community living all over the world. That is the job of a great poet of whatever may be the language.
he is writing in. But he is concerned with the upliftment of the entire human community. So in that way, therefore, UNO records his lines. Running the king of Pramita, dekhu dekhu ke ba sahu, mojibana pache narka padita. His religion is based on humanism. Therefore, it is a universal poetry. Rabindranath Tagore, the poet, Nobel laureate, he also believed that religion, true religion, should be based on humanism. Because we cannot conceive of a kind of religion without man. So you got my point. Yes, sir. Samagra manavavad upare jo pratishthita dharma, taro universality sethi achi. Yes, sir. Thank you so much. Hello. Kahan to suna jaachi. मो अखिल मोर प्रश्न है भीम भई ग्रंथावली प्राय शहे ऊर्धवार से बौद्ध कथ कही बुद्ध कथा कही तो बौद्ध धर्म सहित बौद्ध धर्म जो शून्यवाद अच्छी शून्यवाद सहित संपर्क अच्छी क्या देखो से ही हैज एम्ब्रेस्ड ऑल रिलीजियंस भीम भई जो महिमा धर्म स्तुति चिंतामणि जो धर्म ग्रंथ जहाँ लिखी से भितर से सब धर्म को आदरी नहीं कोल बौद्ध धर्म कथा अच्छी जगन्नाथ धर्म कथा अच्छी पंचसखा कथा अच्छी वेद अच्छी उपनिषद अच्छी पुराण अच्छी भागवत अच्छी रामायण अच्छी महाभारत अच्छी सब कथा सो इट्स ए वेरी माइक्रोकोजम एंड मैक्रोकोजम भूमि आउ भूमा बिंदु आउ विश्व ये मिलित होती काव्य कौन से धर्म ना जोड़ा कि कथा ये भीम काव्य यहाँ हूँ बड़ बहुत बड़ कथा तार ना है महिमा धर्म कि प्रकृत में मुबी महिमा धर्म हूँ विश्व धर्मर एकमात्र नाम महिमा धर्म हूँ मानव धर्मर एकमात्र नाम गोटे लेवल दिहला महिमा धर्म बोल किंतु महिमा भर्तर प्रकृत प्रकृत शब्द अर्थ आपण करि बसिबे ताहा मानव धर्म ताहा विश्व धर्म जोटा उपनिषद रे कहिछि ए सर्वे भवन्तु सुखानि सर्व जोटा कहुछि उपनिषद कहुछि समस्त सुख रहंतु समस्तंकर कल्याण हो विश्व समुदाय कल्याण हो ए कोरोना काल रे मध्य समग्र विश्व मानवर कल्याण हो ए जो विजन ए जो दृष्टि एटा होछि महिमा धर्मर दृष्टि सेथि बेंकि भीम भाई गोटे इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस गोटे समग्र आंतर्जातिक गोटे रेलिवेंस रही भीम भाई काव्य धन्यवाद सर समस्त को धन्यवाद मुझे प्रदीप पंडा सर को अनुरोध करी हेलो धन्यवाद पंडा सर हाँ आप अनुरोध कार्यक्रम को शेष पर्यायर निेष पर्याय प्रकृतरे मैंने मो अभिभूत जो मोर कल्पना बहिर्भूत गोटे महार्ग विमर्श सत्र आज आम मैंने पालन कर सत्र गुड़ाए आम भितर थोड़ा बहु असमाहित प्रश्न गुड़िकर कि समाधान दिग को आम अग्रसर हो पारिछु एक नुहे जे आम समाधान कर एमती जन विस्मयकर प्रतिभा एवं तांक संपर्क रे जेति की लोक कथा अच्छी जेति की लोक अपवाद अच्छी से सब गुड़िक पड़ोसी इतिहास सिद्ध नुहे इतिहास कारण इतिहास तांकु बहु परिमाण रे तांकु समय समसामयिक काल रे तांकु अवहेलित कर रखिथिला जेमिति कालिदास सर कहुतले जे रघुनाथ राय कौन सोनपुर स्कूल इंस्पेक्टर स्टेट रो स्कूल इंस्पेक्टर थिले अथच से कौन रेड़ा खोल जाई नहांती कि सोनपुर जाई नहांती तांको समय काल रे अथच से तांको चिन्ही पारे नहांती गंगाधर मेहर बरपाली रु गोटे कल्पना रे मु कहुची जदि गोटे डाको छाड़े तेज भीम बही हुए तो खलियापाली रु ओ करि पारि थांते एहा सत्वे सेमानक भीतर भी परिचय नाही तेणु तार कारण बहु गुडा कारण अच्छे से कारण गुड़िकर समाधान पाई आम बहुत उद्योग करीम भई चेयर माध्यम
ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଅନେକ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଯୋଉ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି 1986 ମସିହା ଠାରୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯୋଉ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ମହିମା ଭକ୍ତ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅପବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମହିମା ଧର୍ମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତଥାକଥିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦଳିତ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମତେ ଲାଗେ ଇତିହାସ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷାନ୍ତରରେ ରଖିଦେଇଛି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ସେ ସବୁର ଗବେଷଣା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଏ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ଆମର ଭୀମ ଭୋଇ ଚେୟାର ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏ ଦିଗରେ ଆମ ମାନ୍ୟାସ୍ପଦ କୁଳପତି ମହୋଦୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୂଳରୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମାନେ କୁଳପତି ଭାବରେ ମୋର ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଭୀମ ଭୋଇ ଚେୟାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳ ସଚିବ ଉପକୁଳ ସଚିବ ପିଜି କାଉନସିଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଇକ୍ୟୁଏସିର ଡାଇରେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମୁଁ ଏ ଦିଗରେ ପାଇଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ସତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବିମର୍ଶରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୀମ ଭୋଇ ଚେୟାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଶ୍ରଦ୍ଧ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଏନ୍ ନାଗାରାଜୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଉମାଚରଣ ପତି ଉପକୂଳ ସଚିବ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏ ସିଷ୍ଟମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସମ୍ପାଦନଟି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବିନା ବାଧାରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ବିଶେଷତଃ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ମୁଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏ ଭୀମ ଭୋଇ ଚେୟାରର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୋଉ କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ ଚେୟାରର ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା ପ୍ରଭୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରି ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବିଭିନ୍ନ କବି ଲେଖକ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୀମ ଭୋଇ ଚେୟାର ପକ୍ଷରୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ସହିତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଜିର ସମ୍ପାନକୁ ଏଥିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଥି ବିରତି ନେବା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଉମା ବାବୁ ସାର୍ ସାର୍ ହଁ ଘୋଷଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପ୍ରଫେସର ପଞ୍ଚାନନ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଏବଂ ଡିସ୍କସନରେ ଭାଗ ନେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ଆମର କୁଳପତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଆପଣ ଏମିତି ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଥାନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆମର କୁଳପତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାର୍ ଘୋଷଣା କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନରେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ପାସରି ଦେଇଥିଲି ପ୍ରଫେସର ପଞ୍ଚାନନ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନିବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ନ ଜଣାଇ ଏ ସମ୍ପାଦନ ସେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟର ଏକ ଲିଖିତ କପି
आमको प्रदान कले आम जो आगामी अगस्ट मासरे गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय बहु प्राचीन ऐतिहासिक पत्रिका मेहर प्रदीप जो पुनर्जीवन प्रदान कर प्रयास करानित कर धन्यवाद सर कुलपति महोदय पंचानन बाबू को मो गंगाधर महाविद्यालय तरफ मो धन्यवाद जनाऊँ एंड विद दैट द प्रोग्राम कम्स टू एन एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू